हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जियो फ़ोन F120 में जो स्विच ऑफ और स्विच ऑन नहीं होता है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे फ़ोन में जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो बैटरी लगाने पर हमारा फ़ोन ऑन नहीं होता, बट चार्जर लगाने पर हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने फ़ोन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फ़ोन में बैटरी लगा ली है, और अब मैं आपको फ़ोन ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। इसमें दोस्तों यही प्रॉब्लम है कि इसमें हम बैटरी लगाते हैं बट ये फ़ोन ऑन नहीं होता है, लेकिन जब हम इस पर चार्जर लगा देते हैं तो हमारा फ़ोन चार्जिंग होने भी लगता है और स्विच ऑफ खुल भी जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोस्तों आपको बैटरी या तो पूरी 100% भरी हुई दिखाई देगी या फिर 0% दिखाई देगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है स्विच ऑफ खुल चुका है और चार्जर भी लगा हुआ है। चार्जर लगाने पर हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है। तो चलिए एक बार हम इसे चार्जर को रिमूव कर देते हैं और एक बार फिर से ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने चार्जर रिमूव करने के बाद मोबाइल को ऑन कर रहा हूँ बट ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसे बनाएंगे कैसे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ और ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये शॉर्ट हो जाने की वजह से ये ऑन नहीं होता है। और यहाँ पर ये देखिए, एक नंबर से दो नंबर पॉइंट पर यहाँ पर सप्लाई आती है और उसके बाद तीन नंबर बैटरी कनेक्टर पर इसकी सप्लाई चली जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम उस रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद इस तरह से हम इस पर जम्पर लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे रिमूव करके एक जम्पर लगा लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाने की वजह से या फिर वीक हो जाने की वजह से हमारा फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को हम रिमूव करके देख लेंगे। रिमूव करने के बाद उसको हम शॉर्ट कर देंगे दोनों पॉइंट को, और शॉर्ट करने के बाद इसे हम चेक करके देख लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जम्पर लगा लिया और आपको भी इस तरह से जम्पर लगाने हैं। इस तरह से आपको भी जम्पर लगाना है। तो चलिए दोस्तों, अब आप अपने फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। अब मैं एक बार फिर से आपको ऑन करके दिखा देता हूँ और इसमें कोई भी चार्जर नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन एक बार फिर से ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।